अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेजबान सुल्तान, आप देख रहे हैं सारा न्यूज। आज ग्रेटर प्रेसिडेंट अंजन कुमार यादव की सदारत में लालापेट शांति नगर के 35 नौजवान उस्मान मोहम्मद खान नायब सदर ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी लॉकडाउन के खिदमत को मद्देनज़र रखते हुए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का इरादा किया। अंजन कुमार यादव साहब एमपी सिकंदराबाद पार्लियामेंट के हाथ मजबूत करने का फैसला भी किया और हमेशा ये एक्टिव रहेंगे, ऐसा इन्होंने कहा। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे शेख मोमिन की ये रिपोर्ट। और मुल्क को नौजवानों की ज़रूरत है और नौजवानों को भी समझ में आ गया है कि कांग्रेस को आगे लेकर चलना है। तो आज हमारे वाजिद भाई, आमिर भाई, किरण भाई, अलीम भाई, कलीम भाई और एजाज भाई, समद भाई, तकरीबन सुहेल भाई, तकरीबन 30 से 35 लोग जो नौजवान हैं और लालापेट में अपना मुकाम रखते हैं, वो लोग आज अंजन कुमार यादव साहब की सदारत में, ग्रेटर हैदराबाद प्रेसिडेंट की सदारत में आज कांग्रेस में ज्वाइन हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम नौजवानों से भी अपील करते हैं, जो कांग्रेस में शामिल होना चाहता है वो बराबर हमसे रुजू हो। और आज हैदराबाद, सिकंदराबाद में, ग्रेटर हैदराबाद में आज कांग्रेस को मजबूत करना ज़रूरी है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम बराबर इसका काम करेंगे। और कांग्रेस एक वाहिद जमात है जो तमाम तरह लोगों को लेकर चलती है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका एक जैसा रोल होता है और एक जैसी वैल्यू होती है। तो मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि इंशाल्लाह हम ज़रूर काम करते जाएंगे और जो लोग शामिल होना चाहते हैं कांग्रेस में और जो लोग इस मुल्क को मजबूत करना चाहते हैं वो बराबर हमसे राबता कर सकते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।